वेलकम, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हमारी रेसिपी है समोसे। आज हम बताएंगे समोसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने मैदे का आटा ले लिया, उसमें हमने मैदे के आटे के बीच हमने 1 टीस्पून नमक ऐड किया, इसमें 1/2 टीस्पून थोड़ा और ले लिया हमने। अब हमने इसमें जमैन ऐड की, अब हमने इसमें जमैन ऐड कर दिए। अब हमने इसमें लिया आटे को अच्छे से गूंद लेंगे, लोई बना देंगे आटे की गूंद की। आटे को अच्छे से मैश करना, ऐसे गूंद लेना। अब थोड़ा सा हमने इसमें ऑयल मिक्स किया, ये देखिए हमने इसको अच्छे से भून लेना गाइस। ये देखिए अब हमने आटे की लोई बना दी, ये देखिए। अब इसको हमने 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देना है। हमारे आलू तो मैश हो गए हैं, अब हमने इसमें थोड़ी सी अजमेर मिक्स करनी है आलू के बीच। थोड़ी सी अजमेर, 1/2 टीस्पून मिर्ची ऐड करनी है। एक चम्मच स्वाद अनुसार नमक एंड हमने ऐड करना है थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड करना है। हमने नींबू का रस ऐड किया खटास के लिए, हमारी ग्रेवी की खटास के नींबू का रस हमने ऐड किया, क्योंकि ग्रेवी की खट नींबू के रस से हमारी ग्रेवी की खटास बहुत ही अच्छी एंड टेस्टी बनेगी। अब हमने इसको मिक्स कर देना है। जो हमने आलू को मैश करके रखे थे, आलू को एंड हरी मिर्ची ऐड करनी है। अब इसको मिक्स कर देना है अच्छे से। ये देखिए हमारे जो हमने आटा गूंद के रखा था रेडी हो गया। अब आटे की लोई बनानी है, ये देखिए आटे की लोई बनानी है। थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगाना, ऑयल लगा के आटे की लोई तैयार करनी है आपने। छोटी छोटी लोई हमने तैयार करनी है आटे की, ये देखिए गाइस इतनी इतनी लोई। अब हमने मैदा ले लिया थोड़ा सा, इसमें डाल दिया मैदा। हमने मैदे के आटे को आस्ता आस्ता बेल लिया, आराम से बिल्कुल बेलना है, आराम से। देखिए गाइस बिल्कुल आराम से करना है, थोड़ा सा हमने लगाना है मैदे का खुशका। ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। देखिए देखिए गाइस ऐसे बेल लेना। अब हमने 2 पीसेस कर लेने बीच से, 2 पीसेस कर लिए। देखिए आराम से 2 पीसेस कर लिए, ये देखिए गाइस। अब हमने थोड़ा सा हाथ में पानी लगाना है, थोड़ा सा। अब हमने ऐसे बिल्कुल ऐसे हमने शेप देनी है,
थोड़ा सा इसके बीच, ये देखिए गाइस ऐसे पानी लगाना है हल्का सा, ताकि हमारा मैदा अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए गाइस शेप, अब हमने इसको ऐसे आराम से पेंट करना है, बस ऐसे ऐसे बनता है। ये देखिए गाइस हमारा समोसा रेडी है। गाइस ये देखिए हम दूसरा समोसा रेडी कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से ऐसे बंद कर देना, बिल्कुल आराम से। अब हमने जो देखिए ऐसे बिल्कुल थोड़ा सा पानी लेंगे, क्योंकि हमारा मैदा अच्छे से इसमें चिपक जाए। और अब हमने इसमें जो ग्रेवी बनाई थी वो हम इसमें डालेंगे। देखिए गाइस हमारा समोसे में अच्छे से हमने इसमें ग्रेवी ऐड कर दी है, और हम थोड़ा सा इसमें पानी फिर लगाएंगे। गाइस हमने यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे इसको अच्छे से बेंड करना है, ये देखिए गाइस ऐसे। और अब हमने इधर से इन साइड रूप से हमने थोड़ा पानी लगाना है। अब हम ऊपर से इसको अच्छे से बंद कर देंगे, अच्छे से बंद कर देंगे। फ्लॉपी फ्लॉपी बनेगा गाइस, ये देखिए गाइस, ये देखिए हमारे समोसे की शेप, ये देखिए हमारा समोसा रेडी है। अब हम और बनाएंगे ऐसे, सारे हमने ऐसे ही बनाने समोसे। ये हमने एक एक करके समोसे तैयार कर दिए हैं। अब हमने उसमें ऑयल डालना है, ऑयल डाल देना है फ्राई करने के लिए समोसे। ऑयल हमने ज़्यादा गर्म रखना, बिल्कुल लो फ्लेम में गैस रखनी है, और बिल्कुल लो फ्लेम में हमने इसको पकाना है, और ऑयल हमारा मीडियम गर्म होना चाहिए। गाइस हमने ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस हमने ऑयल इतना ही रेडी करना है, बिल्कुल लो फ्लेम में हमने अपने समोसे रेडी करने। ऑयल हमने बिल्कुल थोड़ा सा गर्म होना चाहिए ऑयल, ज़्यादा गर्म होगा तो हमारे समोसे जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए अब हमारे समोसे रेडी हो जाएंगे, फिर हम आपको बताएंगे। देखिए गाइस अब उसको हमने बिल्कुल आराम से घुमा देना, बिल्कुल आराम से गाइस। ये देखिए थोड़ा आराम से घुमाना है इसको समोसों को। ये देखिए गाइस हमारे समोसे तो रेडी हो रहे हैं, देखिए इतने फूल गए अच्छे से। देखिए गाइस ये देखिए घर में आराम से समोसे तैयार कर सकते हैं। ये देखिए गाइस हमारे समोसे रेडी हो गए हैं। अब हमने मेयोनीज एंड सॉस के साथ अपने समोसे खाने, देखे कितने क्रंची बने। ये देखिए गाइस ये देखिए कितने क्रंची हैं हमारे समोसे, वाओ। गरम गरम चाय के साथ एंड ग्रीन टी के साथ आप ले सकते हैं। देखिए गाइस बहुत यम्मी एंड टेस्टी बने, हमने बिल्कुल आसान रेसिपी आपको बताई है। प्लीज़ आप घर में ये रेसिपी ट्राई करना, एंड हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड बेल आइकन का बटन दबाना। बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।